हाय फ्रेंड्स, हम शो में आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती बर्ड फार्म। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं मेरा जो कनूर बर्ड है। तो कनूर बर्ड का अभी इस साल में प्रोग्रेस क्या हुआ है वो थोड़ा चेक कर लेंगे। और सबसे बड़ा जो चीज़ है, आप देख रहे हैं पीछे में क्या है, दार्जिलिंग तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन दार्जिलिंग का जो कमला है वो अभी मेरा गमले में है। तो नज़ारा बहुत अच्छा है। तो अभी तक इसका पूरा कलर नहीं आया, देख रहे हैं आप। तो पूरा कलर आ जाने के बाद जब इसको तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद क्या स्वाद है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और पूरा जो सब्सक्राइबर है, आप लोगों को अगर आप लोग भी आ जाए तो आप लोगों को भी हम टेस्ट करा सकते हैं दार्जिलिंग का कमला। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो फिलहाल अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को कनूर बर्ड का प्रोग्रेस क्या हुआ, चलिए। और देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है मेरा सेटअप का सबकिंसन बेलिट को हमने जोड़ी लगा दिया, ऊपर में भी जोड़ी बैठा हुआ है। आज ये लोगों का कुछ प्रोग्रेस हम चेक करेंगे। ये है मेरा ब्लू ग्रीन की कनूर, देख लेता हूँ इसका जो नेस्ट बॉक्स है, नेस्ट बॉक्स के अंदर क्या है। दो अंडा दिखाई दे रहा है। चलिए नया जोड़ी है, दो अंडा दिया है, अभी तक भी अंडा है, देख रहे हैं आप। पूरा जो सेटअप और इसी साइड में फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कुछ योलो साइडेड कनूर का पेयर मैंने रखा हूँ। ये सभी मेरा घर का चिक्स है। और इस साइड का नीचे में एक बहुत अच्छा कलर में आप देख रहे हैं पाइनएप्पल का जोड़ी है। ये भी थोड़ा नेस्ट बॉक्स को चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स, अंदर क्या है। फिलहाल लगता है इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी तक अंडा नहीं दिया, नेस्टिंग कर रहा है। ये भी जल्दी अंडा दे देंगे। चलिए बंद कर देता हूँ। इसी साइड में ये भी रेड फैक्टर पाइनएप्पल है, इसका भी थोड़ा नेस्ट बॉक्स को चेक कर लेता हूँ क्या प्रोग्रेस आया है इस साल में। फिलहाल इसका भी कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं आया, ये भी जल्दी अंडा देंगे। और ऊपर का हिस्सा में भी थोड़ा देख लेता हूँ, एक बर्ड बाहर है, इसका थोड़ा एक नेस्ट बॉक्स के अंदर है, चेक कर लेता हूँ। चलिए दोनों बाहर आ गया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे दो चिक्स हम लोगों को देखने को ये मिला और दो ही चिक्स को बहुत अच्छा फीड दिया। इसका पेरेंट्स अभी फीड दे रहे थे और वीडियो बनाने के समय में ये बाहर चला गया, बहुत अच्छा। चलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हम बंद कर देते हैं। और इसी साइड में यहाँ पे भी मेरा बहुत अच्छा पाइनएप्पल का जोड़ी है, इसको भी नेस्ट बॉक्स को थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या है नहीं है। बहुत बढ़िया, चार अंडा है और चारों के चारों फटाइल लग रहा है, ब्लड आ चुके हैं, ये चारों फटाइल होंगे। चलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज़्यादा।
और नीचे में भी एक फीमेल बाहर है, इसको थोड़ा हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। देख रहे हैं शायद अंडा दे दिया, हैचिंग पे बैठा हुआ है। यहाँ पे भी तीन अंडा है, ये देखिए फ्रेंड्स तीन अंडा लेके बैठा हुआ है। इसको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसके नीचे में भी देख लेता हूँ, सब नीचे का पोर्शन है। देख रहे हैं एक बर्ड बाहर है, इसको भी प्रोग्रेस चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट, यहाँ पे भी तीन अंडा दिया है। मौसम चेंज हो गया है, मैंने बोला था आप लोगों को फेब्रवरी के एंड में ही मेरा बर्ड ब्रीडिंग करना शुरू करते हैं। और देख रहे हैं सभी के सभी बर्ड अंडा देके बैठा हुआ है। और ये रहे इसका पेरेंट्स, दोनों के दोनों ही बाहर है। धूप के वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए कलर इसका बहुत अच्छा कलर में है, किंसन विलेज देख रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट में है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऊपर का भी देख सकते हैं आप, ये भी जल्दी अंडा ले करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं एक रेड फैक्टर झंडिया कनो का प्यार है, इधर आ गया देखिए, बहुत अच्छा है रेड फैक्टर झंडिया कनो। ये अभी छोटा है, बड़ा होने के बाद इसको हम ब्रीडिंग के लिए बिठाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सन कनूर का एक जोड़ी है, यहाँ पे देखिए सन कनूर का बहुत अच्छा कलर में, एकदम रेड फैक्टर में है ये जोड़ी। और इसके नीचे में मैं आप लोग देख सकते हैं ये लुटिनो मॉन, ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट है, नेस्टिंग तैयार किया है। ये भी जल्दी अंडा ले करने वाले हैं। पूरा जो नज़ारा फार्म का आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो सन कनूर का जोड़ी, वो भी नेस्टिंग तैयार कर रहा है, जल्दी अंडा ले करेंगे। इसके नीचे में अभी तक ये लोग, इसका फीमेल का उम्र थोड़ा कम है इसलिए तैयार नहीं हुआ। ये देखिए कलर, देखिए सन कनूर का बहुत ब्यूटीफुल कलर, ऐसा नज़ारा कैसे हैंगिंग होके लटक रहा है, ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। इसी साइड में भी एक सन कनूर का जोड़ी है। और यहाँ पे देख रहे हैं मेरा वायलेट टोन का जो ब्लू येलो साइड एक कनूर है, वो भी बहुत अच्छा मूवमेंट में है, ये भी अंडा ले करने वाला है। और यहाँ पे एक बाहर है और एक नेस्ट बॉक्स के अंदर है, थोड़ा चेक कर लेता हूँ नेस्ट बॉक्स के अंदर क्या है, अंडा वंडा दिया है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चार अंडा दिया है। कैमरा को क्लोज करने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पांच अंडा दिया है। और चलिए पांचों के पांचों फर्टाइल है, कैसे नेस्ट बॉक्स को काट दिया ये लोग, अब लोग देख सकते हैं। और इसके नीचे में थी एक बहुत अच्छा जोड़ी है, ये देखिए सभी के सभी जो ब्लू येलो साइड कैमरे है सब एकदम वायलेट टोन में है, लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चीज़ है अफ्रीकन ग्रे पैरोट, ये अफ्रीकन ग्रे पैरोट का मेल नेस्ट बॉक्स के अंदर है और फीमेल बाहर है। मेरा ये लोग नेस्टिंग बनाने के लिए रेडी है, इसका मेल नेस्टिंग बनाने का काम पे रेडी है। तो शायद हमको तो लगता है प्रोग्रेस बहुत अच्छा आएगा, तो देखा जाए। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसे बना के रखना और चैनल के साथ में जुड़े रहना। और भी एक नया कलेक्शन दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये मेरा सिल्वर मॉन्क,
ये सिल्वर मोंग का एक जोड़ी है इधर पे, मैं नया नया लेके आया हूँ अपने ब्रीडिंग के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा जोड़ी है, नेस्ट बॉक्स अभी तक दिया नहीं है, कुछ दिन सेटल हो जाए फिर हम नेस्ट बॉक्स लगाएंगे लोगों को। और देख रहे हैं पूरा फार्म का नज़ारा आप लोग, नज़ारा बहुत बेहतरीन है। आज बहुत दिन के बाद मेरा बड़ा बर्ड का वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर देना, जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाए फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा जो बात है फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड्स ने कमेंट करके बताया, दादा मैं तो हर चीज़ का कमेंट करता हूँ, आप तो रिप्लाई नहीं देते। नहीं दादा, मैं काम काज के चक्कर में थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, और इसलिए बहुत सारा कमेंट मेरे पास आते हैं, सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।